तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? अपनी आंखों का इलाज करवाओ। देख के नहीं चल सकते। फारिया और काशान की शादी, ये कैसे हो सकता है? इसमें हर्जी क्या है, क्या कमी है हमारी फारिया में? हम यहां किसी की कमी या बुराई नहीं गिनवा रहे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, और इसमें क्यों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप आजा, आपको बताना होगा कि आखिर इस रिश्ते में मसला क्या है। काशान हमारे अकलौते बेटे हैं, हम उनकी शादी कैसे एक ऐसी लड़की से कर दें जो अपने ही घर से भाग गई हो? बदनामी का यह तौक हम अपने बेटे के गले में नहीं डाल सकते। क्या कह रही हैं आप? आंखों देखी मक्खी तो कोई भी नहीं निकल सकता ना। आंखों देखी मक्खी, वाह क्या कहने आपके। हम आपको याद दिलाते हैं, जब आप बेवा हुई थी तो ये बने थे आपका सहारा, याद है? आपकी औलाद को इन्होंने गले से लगा कर रखा, अपनी औलाद की तरह पाला। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो इन्होंने पूरी ना की हो, और आप हमारी औलाद को गले का तौक कह रही हैं? सुभान अल्लाह। हम मानते हैं आप दोनों के बड़े एहसानात हैं हम पे, एहसान लेकिन का बदला एहसान होता है। एहसान करने के लिए किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, और ना ही रिश्ते नातों में सौदागरी की जा सकती। हमें आप लोगों की परेशानी का एहसास है, लेकिन इस परेशानी को खत्म करने के लिए हम अपने बेटे की खुशी को तो नहीं दांव पे लगा सकते ना। आजाद, हमने ये बात एक बेटी के बाप की हैसियत से नहीं की, हमने तो ये बात एक भाई समझकर अपनी बहन से की है। हमें तो बहुत मान था आप पे। भाई बहन का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन जहां मामला औलाद का हो वहां बाकी सारे रिश्ते बस मंजर में चले जाते हैं। और फिर हमारे बेटे का कसूर क्या है कि हम उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करते हैं जो इस घर से? नहीं, ये नहीं हो सकता। नामुमकिन है ये।